खबर कुशीनगर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए हैं, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग प्राइवेट स्कूलों में चलने वाले वाहनों को लेकर 13 मानक तय किए हैं। अब स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता सरकार नहीं करेगी। स्कूल में चलने वाली बसों की जांच कर रहे हैं, क्या कंडीशन है, क्या दिशा निर्देश है और क्या कार्रवाई है? स्कूल बसों में, स्कूलों में विजिट करके परिवहन विभाग के कर्मचारीगण और हम लोग जाके वाहनों के जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फिटनेस है, परमिट है, ड्राइवर की ड्राइविंग लाइसेंस की कंडीशंस हैं और बसों की जो एक्चुअल कंडीशंस हैं उस पर हम लोग फोकस करके देख रहे हैं कि जो नॉर्म्स हैं सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है और सरकार के द्वारा भी जो समय समय पर सुरक्षा के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पूर्ण पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अधिकतर बसें फिटनेस इंश्योरेंस और परमिट से आच्छादित पाई गई, ठीक पाई गई। छोटी मोटी कमियाँ हैं, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स है तो उसको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और ड्राइवर हो अपनी वर्दी में हो ताकि उसे पहचाना जा सके। कंडक्टर या अटेंडेंट के पास अपने पूरे बच्चों के बारे में सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको कि हमने स्कूल प्रबंधन को बताया है कि इसको फुलफिल कर लें, उनके द्वारा समय मांगा गया है और उसको वो 3 दिन के अंदर सही कर लेंगे, उसको दोबारा फिर उसकी जाँच होगी। रोड पर ये इंश्योर किया जाएगा कि बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस, बिना मानक पूरा किए कोई भी गाड़ी ना चले, बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है। अभी तक आपने कितनी स्कूलों की जांच कर ली है? ये कल से अभियान शुरू हुआ है, कल से लेके आज तक हम लोग 25 स्कूलों पे जा चुके हैं और जिसमें करीबन 200 के आसपास वाहन जो है हमने चेक किए हैं। इसमें प्रवर्तन कार्रवाई भी हुई है, आज एक वाहन बिना फिटनेस पाया गया उसको बंद भी किया है और लगभग 7 वाहनों को छोटे नॉर्म्स में अदर दिक्कतों में उसको चालान भी किया गया। जनपद में जहाँ तक सवाल है 1200 स्कूली वाहन हैं, जिसमें करीबन 550 बड़ी बसें हैं, इसके अलावा छोटी और मध्यम वाहन हैं और इसमें से जो हमारा डेटाबेस है उसमें लगभग 175 वाहन अनफिट हमारे दिखाए जा रहे हैं, जिनको नोटिस दी गई है और स्कूलों से कहा गया है कि उन वाहनों को पंजीयन निरस्त कर दें, ना चलाएँ और चलाएँ तो फिटनेस करके ही चलाएँ। ऐसा देखा जाता है कि बसों में नाम जितने बच्चों को मानक है उससे ज़्यादा भर के ले जाया जाता है, इसके लिए कोई कार्रवाई है? प्रवर्तन कार्य के दौरान यदि मानक से अधिक बच्चे ले जाते हुए पाए जाते हैं तो इसमें चालान की कार्रवाई है। साथ ही स्कूल प्रबंधकों को इसमें बार बार इनसे कहा जाता है कि बच्चे सुविधाजनक तरीके से और सुरक्षित रूप से अपने उसमें पहुँचें घर पे। छोटे बच्चों के लिए मानक में थोड़ा सा वह है कि अगर नॉर्मल बसों की सीटिंग से थोड़ा सा उनको 10% की छूट है, लेकिन उससे अधिक अगर करेंगे तो उसमें प्रवर्तन में चालान की कार्रवाई की जाएगी।